पर वो तो अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, वो आप कर लो, पेंडिंग रहे तो वो मैं करवा दूंगा। हाँ खुद से किसकी? ठीक है, नहीं वो कभी कभी इतना अच्छा कर लेता है ना कि मुझे शौक लग जाता है। उसका अच्छा गया होगा। हाँ कष्ट दो, टेक्स्ट बुक। हम कहाँ पे पहुंचे थे? ये लो आ गया सबका। मैं ये मैंने पहले से नहीं लिखा है, बोलो नहीं हो, वो मैंने पेज में लिखा है। अब सच्ची में 18.5 एग्जांपल 4, 5, 6, 7 बाकी था ना। डेट भैया दीदी बोलो है ना सी एस ए का 11.1। हाँ और एग्जाम मैंने बाद में आपको सीधा एक्सरसाइज पे डाइवर्ट कर दिया था, ये एग्जाम्पल बाकी है 4, 5, 6, 7। ओके करेक्शन तो इंतजार करते हैं थोड़ा, हालांकि इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नहीं हुआ सुधारा, आज है 23। चलो अब सोशल के सदमे में से बाहर आ गए हो तो मैथ्स का सदमा हम ले ले। नहीं अभी है वो उस सदमे में है। नहीं नहीं सर सर ये अच्छा क्या हो जाए, एक और दे दो ये सर, मैं नहीं हूँ इसमें। हाँ हाँ नहीं नहीं कर लो, चलो आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। हाँ बता देना सर, मार खाएंगे पिटेगा तू लग रहा है सर। सर स्टार्ट ठीक है, स्फीयर से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। तो हाँ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी नाइस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr². 4 को एज इट इज रख दो, पाई की वैल्यू बताओ 22/7। यहाँ पे रेडियस कितना है? 7। तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 7। कुछ कट-कट हो रहा है तो बताओ, 7 एंड 7 विल गेट कैंसिल। 7 फोर्जा करके करना है या 22 जैसे आपको ठीक लगे। कितना आ रहा है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो। ये कर लिया था क्या एग्जांपल?
नहीं एग्जांपल थोड़े किया था आपने। अच्छा एग्जांपल 5 टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसका कसा और टसा ढूंढना है। कसा नहीं ये एग्जांपल से तो वो मैं करवा ही देता हूँ। इजी ही है बट फिर भी कसा सर कसा और टसा दोनों सेम आएगा। तुम बताओ। नहीं हेमिस्फीयर में दोनों चीजें अलग आती है। तो एक काम करो अगर ये ज्यादा इजी लग रहे हैं तो मत लिखो बस मुझे करवा दो हेल्प करो। चलो मेरे कसा मुझे ढूंढना हो तो कसा का फॉर्मूला बताइए। कसा ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल्स टू 2πr² 2 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 21 तो 21 को 2 टाइम्स लिख दीजिए 7 3 2 जैसे भी सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताइए। उसी तरीके से टसा हाँ टसा ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा टसा का फॉर्मूला बताओ हेमिस्फीयर का 3πr² 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा टसा इज इक्वल्स टू 3πr² 3 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21 तो उसको दो बार लिख दीजिए 7 3 21 इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है 3 3 9 multiply 21 वो पूरा मेंटली कर रहे हो। पक्का तो और एक आ जाने दो 4158 दो और एक आ जाने दो। चलो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा बोल तो रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। ये 4 वाला रब कर दो एग्जांपल 4 नहीं नहीं वो कर लो पहले 4158 ही है आधा मत छोड़ो। चलो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बहुत इजी है तो मैं नहीं लिखवाता आप बोलो तो रहने दो तो मत लिखो। लिखना है मान्यता ओके। चलो एग्जांपल 4 एग्जांपल 5 ये लिख लिया ना ठीक है इसको मैं रब नहीं कर रहा अभी। एग्जाम्पल 6 द होलो हेमिस्फीयर। नहीं होलो हेमिस्फीयर नहीं होलोस्फीयर ये बहुत अच्छा है। होलोस्फीयर मैं अभी बनाता हूँ इसकी फिगर थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेट लग सकती है तो मेरे साथ ही बना लेंगे। आप लोग कभी उसमें गए हो वो सर्कस वगैरह में हाँ उसमें मौत का गोला देखा है आपने। हाँ नहीं नहीं वो मौत का कुआ नहीं नहीं मौत का गोला अच्छा वो सर पूरा गोला और उसमें स्फीयर स्फीयर के अंदर वो बाइक चला रहा है। हाँ वो ऐसा ही है ये इसमें एक स्फीयर है इसकी फिगर बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमन डिजाइन
हनुमान कांड ह्यूमन कांड नहीं, तुमने ह्यूमन कांड बोला, मैंने नहीं, सेल्फ ग्रेविटी जनरेट होती है काइंड ऑफ मोटर लिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो डायमीटर ऑफ सैलेंट सर हाँ डायमीटर सैलेंट सर परफेक्ट सर्कल किसने बनाया दिस इज़ अ परफेक्ट सर्कल सर्कल उस दिन आलू नहीं काटा था हाँ ये उसी की परछाई है उसकी आत्मा है ये इसमें Find the area available to the motor side. चलिए रब कर दूं ये वाला हिज जी तो ये मौत का गोला है किसका गोला मौत का गोला है वो मौत का कुआ हाँ ये मौत का गोला इसके अंदर ना एक वो राइडर है वो इसके अंदर स्टंट परफॉर्म कर रहा है पूरा गोल गोल घूम रहा है हर जगह पे गोले के अंदर तो हमें ये बताना है कि अगर ये स्फीयर जो है उसका डायमीटर 7 मीटर हो कौन से चीज डायमीटर 7 मीटर हो तो गाड़ी चलाने वाले को कितना एरिया मिलेगा घुमाने के लिए तो हाँ हाँ 7 मीटर मतलब काफी बड़ा गोला हो गया ये हाँ तो ये 7 मीटर मतलब 21 फीट हाँ मतलब ये जो मेरा घर है उतना वो स्फीयर ठीक है तो अभी अगर उस स्फीयर में कोई राइडर बाइक चला रहा है तो उसको कितना एरिया मिलेगा तो हमें अंदर का एरिया ढूंढना है और अंदर का कर्व्ड एरिया ढूंढना है तो हमें क्या ढूंढना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अभी सवाल ये उठता है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का और बाहर का अलग होता है नहीं दोनों सेम ही होता है फॉर्मूला भी दोनों के सेम ही होते हैं तो मुझे बता दीजिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4πr² पक्का ना क्या वो तो ये क्या है 4πr² 4 एज इट इज पाई की वैल्यू 616 मीटर स्क्वायर रेडियस कितना है 7 वो तो डाया है अच्छा डाया है हाँ तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि 3.5 लिखे तो भी 35/10 करना ही है तो इससे अच्छा 7/2 ही लिख दो तो देखो 2 2 4 7 और 7 विल गेट कैंसिल 154 मीटर स्क्वायर जो कि हो गया आपका इजी है लिख लो तुम लोगों ने वो मडगांव एक्सप्रेस मूवी देखी है उसमें वो पता है उसको पाउडर लग जाता है तो उसके अंदर शेर आ जाता है सर फिर उसकी उंगली कट जाती है 2 मिनट का रेम्बो बन जाता है वो मंजुमल तो सुपर है मजा ही आ जाता है अभी मैं ज्विगाटो देख रहा हूँ ज्विगाटो थोड़ी अधूरी पड़ी है मेरी कपिल वाली वो मैं कपिल की वजह से नहीं उसके डायरेक्टर की वजह से देख रहा हूँ वो जो डायरेक्टर है ना वो बहुत ही रियलिस्टिक मूवीज बनाता है मतलब नाम तो मुझे भी नहीं पता इसको बोल रहा हूं। आप लोगों ने लंच बॉक्स देखी नहीं लंच बॉक्स हाँ उसमें कैसी ऐसे फीलिंग आती है कि हम ही उस स्टोरी में हैं वैसा स्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड हाँ
ये बहुत अच्छा है प्रॉब्लम। क्या है शिशु विहार? क्या है क्या शिशु विहार? वो प्रोजेक्ट के लिए ना, हाँ हाँ वहीं पे था तो वही ना, सुमितोमो। हाँ वो हर बार उनका वहीं पे होता है सुमितोमो का। चलिए आप लोगों ने डोम देखा है, डोम जैसे कि ये मैंने जो करवाया है ना उसको वो शेड कहते हैं। हाँ पर अगर यही शेड अगर स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल शेप में हो तो उसको डोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोम। तो ऐसा एक डोम है जिसको हमें कलर करना है। क्या करना है? कलर। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे ना तो रेडियस दिया है ना तो एरिया दिया है, हमारे पास सिर्फ सर्कमफेरेंस है जो कि है 7.6 मीटर। कौन सी चीज है? हाँ वो है क्या? सर्कमफेरेंस है। तो हमें रेट दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर को अगर हम रंगे तो 5 रुपये का चार्ज होता है, और यहाँ पे हमारे पास मीटर में डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr² और उसके लिए रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस हमारे पास है नहीं तो करें क्या? वेरी नाइस, क्या हाजिर है? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक ले लेता हूँ क्या? 2πr² We know that circumference is equals to what? 2πr. देखते हैं चलो c कितना है? 17.6 मीटर is equals to 2 as it is. Pi के वैल्यू 22/7. रेडियस मालूम नहीं है तो रेडियस को रेडियस ही रहने दो। अब क्या करें? जो ढूंढना है वो लेफ्ट के तरफ, जो पता है वो राइट के तरफ। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 2 × 22/7 × r इज इक्वल्स टू 176/10 मीटर। ऐसे लिखो तो चलेगा? ना समझ में आया हो तो बताओ। साइड चेंज कर ली, पॉइंट को हटा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रखा। अभी जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट? आर इज इक्वल्स टू 176 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22। हाँ या ना? और यहाँ पे बच जाएगा मीटर। अभी कट कोट करवाओ, कौन सी चीज कट सकते हैं? 288 जा। चलो यहाँ पे 288 जा। फिर 228 जा। 22 4 चलेगा ना? 4 7 28। तो r इज इक्वल्स टू, तो r इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 28 मीटर। एक बार रेडियस मिल गया तो कवर्ड सरफेस एरिया ढूंढना बड़ी बात शायद नहीं होगी। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए अभी। 2πr² नाउ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या फिर डोम is equals to 2πr² 2 as it is, pi के वैल्यू बताइए। 22/7 रेडियस बताइए। 28 28 28 twice 28 मल्टीप्लाई
28. अच्छा, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, गैस कर सकते हो क्या? हाँ, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आपके पास दो रास्ते, हाँ दो रास्ते हैं, या तो आप पहले से ही कन्वर्ट करके ढूंढो, या फिर आखिर में जो आंसर आ जाए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम अभी हम निकल चुके हैं तो उसको आखिर में ही रखते हैं। चलो, तो 7 × 4 = 28, अभी इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना क्लाउड सरफेस एरिया आ रहा है, 2, 22, 4, 28, 8, 132 और 28 ना, और एक आ जाने दो, और एक आ जाने दो, रीवेरीफाई कर लो, कर लो ना, 4928 तुम्हारा कितना आ रहा है, और एक आ जाने दो। चलो, अगर तीन लोगों के सेम आंसर आए ना तो हम बढ़ जाए, 22, 8, 132 ना, नहीं 172, 172 सर, इसका भी वही है, 4928 क्या, 4928 मीटर स्क्वायर। अभी ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, एक मीटर माने, वेरी गुड, एक मीटर यानी 100, यहाँ पे कितने मीटर है, दो ना, तो 100 और 100 यानी कि 10,000, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 4928 × 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना, इतना मिल गया। अभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए, तो इसके कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नाउ फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कॉस्ट है 5 रुपए, सो फॉर 4928000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट्स x, तो x को अगर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल्स टू 4928000 रुपीस, सही है कि नहीं? यस सर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? तो ये कितने रुपए हुए, 4,92,000, हाँ तकरीबन 5 लाख रुपए। सच में कि हमने कुछ ज्यादा महंगा कर दिया? नहीं, हमारा आंसर गलत है, हाँ तुम बताओ कहाँ गड़बड़ है सर, ये 4,92,000, अरे हाँ हमने 5 तो किया ही नहीं सर हमने, हाँ 5 से मिनट, तो ये तो और महंगा हो जाएगा, हमें क्या है सर, लेकिन अरे पर आंसर मैच नहीं कर रहा है, सस्ता है, हमें क्या है ऐसे नहीं, पर आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमने कुछ तो गड़बड़ की है, क्या है सर, मल्टीप्लिकेशन में क्यों आया सर, हाँ मुझे गड़बड़ दिखी सर, ये 28 में कुछ गड़बड़, हाँ चलो मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, हमसे हुई गड़बड़े ढूंढो, जैसे कि पहली गड़बड़ तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ये तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब और एक गड़बड़ है, और एक, हाँ तुम बताओ, मुझे नहीं ढूंढनी है, आपको ढूंढनी है सर, वो 10 कहाँ गया, वो 10 कहाँ गया, ये वाला, तो ये वाला 10 यहाँ पे रहेगा ना, अगर यहाँ पे ये 10 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 रह जाएगा, तो यहाँ पे 2.8 हो जाएगा, चलो 28 है तो डिवाइड बाई 10, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा
हाँ तो यहाँ पे 10 और 10 बढ़ गए तो 100 कम हो जाएगा ना, क्योंकि कट जाएगा 0000 कट जाएगा। अभी देखो नाउ फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट 5 रुपीज, तो अभी हम 492800 इतना ही करेंगे कॉस्ट एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 492800 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, 00 विल गेट कैंसिल। इसका सिंप्लीफिकेशन बताओ, 2 4 6 4 0 0 0 2 1 ही आएगा। रुको मैं भी करता हूँ, 5 8 40 रिमाइंडर 4 सर, 2 4 6 4 0 2 4 6 4 2 4 6 4 5 4 24 2 4 6 4 0 हाँ सर सही बोला था मैंने, 2 4 6 4 0 2 4 6 4 0 क्लियर है। हाँ तो इसीलिए पढ़ाई करना जरूरी है, नहीं तो 24,000 का बिल 5 लाख का हो जाता है। हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता। मान लो आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट मैन बने, आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और नरेंद्र मोदी जी को उस वक्त पे आडवाणी जी की मूर्ति बनानी है, आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी की मूर्ति बनवानी है जैसे सरदार पटेल की बनवाई वैसे। उनके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है तो उनकी नहीं, तो उनकी मूर्ति बनाने के लिए दियान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और दियान ने ऐसी ही गड़बड़ कर दी, तो मूर्ति बनने वाली थी 300 करोड़ की, बन गई 1,000 करोड़ की। इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है, लिख लो चलो। तो अभी एक्सरसाइज 11.2 में आप कहाँ पहुंचे हो? तो बाकी के अटेम्प्ट कर रहे हो और पहली एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है ना, वो तो कर लिया ना, ठीक है। तो पहले वो कंप्लीट करो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी? ये फर्स्ट वाली सर। हाँ पूरी याद हो गई ऐसे। वो इजी ही है।